ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कुछ दिन पुरानी है, लेकिन हालत अब भी जस की तस है। और ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 1 की है। शहर का पहला वार्ड होने के नाते ये इसकी खुशनसीबी समझिए या बदनसीबी, लगभग सैकड़ों घर साल के 6 महीने से अधिक इसी तरह से पानी में डूबे रहते हैं। गाड़ियों का चलना मुश्किल रहता है, लोगों का जीना मुश्किल रहता है। न पार्षद को चिंता है, न निगम प्रशासन को, न विधायक को और न ही सांसद को। लाख शिकायत के बाद भी नतीजे रहा 0। आखिरकार हार मानकर स्थानीय लोगों ने पप्पू खान के नेतृत्व में एक बार फिर बड़ी संख्या में एकजुट होकर निगम प्रशासन पहुंच गए। घिराव करने के लिए नहीं बल्कि गुहार लगाने आयुक्त साहब से कि साहब अब तो देख लो, नहीं तो जिंदगी पानी में डूबकर दम तोड़ देगी। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आई हैं? क्यों आई हैं? ताज बिशनपुर से आए हैं, वार्ड नंबर 1 से। और हम लोग को जो है पानी का बहुत समस्या ज्यादा है, बाल बच्चा जो है पढ़ने में नहीं जा रहा है। और इसी स्थिति में हम लोग आए हैं कि यहाँ नगर निगम से कुछ हम लोग का हेल्प हुआ, नाली मोड़ी निकाले, यही है हम लोग का कृपया है। ये आप लोग अभी कदाई तो लग जाता है, क्यों आए हुए हैं? पानी लग जाता है रोड पे, इसीलिए आए हुए। बच्चा सबका पैर हाथ सड़ जाता है, कितना बच्चा गिर के पैर हाथ टूट जाता है, सर फट जाता है। आदमी कहाँ से गरीब आदमी खिलावेगा के इलाज करावेगा? कितने दिनों से पानी लगा हुआ है? पानी जो है तो 2 साल से 6 महीना तक रह जाता है साल में। कौन सी जगह पर है? सर बगल में अभी हाल फिलहाल हमारे गाँव में जो है सो कॉलोनी बना है, वहाँ घर घर नाली बन गया, घर घर चीज बन गया, वहाँ पैसे वाले लोग हैं। हम लोग का गांव गरीब का है, इसीलिए जो कोई साधन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बगल में जो है सो वहाँ इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ सब कुछ है। यहाँ बगल गांव में गरीब सब है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। इतना पानी घुसा हुआ है घर में, बच्चा रोड पे जो है सो निकलने के लिए परेशान हो रहा है। जो पकड़ता है कौन कॉलोनी की बात कर रहे हैं? ये शिक्षक कॉलोनी में देखिए, घर घर नाली बन गया, घर घर जो है सो सब चीज का संविधान हो जाता है। वहाँ एक नया गांव बना है, तब भी जाकर के पूरा गली गली ढलाई है। हम लोग का जो है बाप दादा पूछ बसते बसते हो गया, कट गया, लेकिन अभी तक न नाली बना, न सही रोड मिला। जी मामला है ये सब। हम लोग नगर निगम आए हैं, इसलिए जो ताज बिशनपुर जी में वार्ड नंबर 1 में जल जमाव का मामला कम से कम 6 महीना से 7 महीना रहता है। जो 2-3 महीना पहले भी मैं नगर आईओ साहब के पास हो या कमिश्नर साहब के पास हो, एसडीओ साहब के पास हो, जो जितने भी विधायक जी हैं, मेयर साहब हैं, मैं सबको दिया था कि हमारे जो पानी का जल जमाव है उसका किसी तरह से निकास किया जाए। तो आज जो हमारे साथ बहुत लोग आए हैं, जो मोहल्ला में बहुत आक्रोशित हो गया है, जो लोग का यही कहना है कि पानी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम न किसी को पुलिस प्रशासन को आने देंगे इस मोहल्ला में, न नगर निगम के स्टाफ को आने देंगे, और रोड जाम करके हम लोग वहीं पर घर बना करके रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पर रोड पर जगह, तो नगर निगम में अपना झोपड़ी डाल करके हम लोग रहने के लिए आए हुए हैं। कितने सालों से ये जल जमाव की समस्या है? लगभग 2 साल से ऐसा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जो बिहार सरकार जो भू माफिया लोग भर करके तालाब उसको भरने का काम करता है, बेचता है, जो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग रहता है उस लोग काम कर रहा है। इससे पहले जो आपने आवेदन दिया, क्या उस पर कोई विचार नहीं हुआ? जी विचार तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बोला जाता है कि हो जाएगा कर रहा है। विधायक जी क्या हो जाए, नगर आईओ साहब क्या जाए, किसी की यहाँ भी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले कोरोना के जैसा महामारी था, जो डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब, जो भी एसडीओ साहब हो, एसएसपी साहब हो, जो डीएसपी साहब, आप लोग देखे होंगे कितना मदद किए गरीबों का। मगर यही चीज नगर आईओ को भी काम करना चाहिए, मेयर साहब को भी काम करना चाहिए, हर वार्ड में जा करके जो 48 वार्ड है उसका भी उसको सोच बनाना चाहिए। मगर आज तक ना नगर आईओ को हम लोग का शकल हम लोग देखे, न पहचानते हैं कि कैसे है उनका शकल कैसा है। अभी निगम में काहे के लिए आए थे? कहाँ? मैं नगर आईओ साहब से मिलने के लिए आया था, उनको मैं आवेदन दे चुका हूँ 2-3 महीना पहले, फिर अभी दे रहा हूँ।
इससे पहले भी 5-6 महीना पहले रोड और नाला बनाने के लिए दिए थे। अभी एक जांग पानी लगा हुआ, अभी यही करवाया हम लोग, कह रहे अभी मिलेंगे इनसे, अभी नहीं मिलेंगे तो मैं इनको यहाँ इंतजार करूँगा, जब तक आएंगे तब तक जाएंगे नहीं हम लोग, फिर भी नहीं होगा, 2-4 दिन 10 दिन देख लेते हैं, तो कल्पना सलीमा के पास हम लोग रोड जाम करेंगे, उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन जेल में डाल दे या जो करना है करे, मगर हमारी माँ बहन जो परेशान है, एक एक कमर पानी में भींग करके जाती है, सबको शौक है कि अपने बच्चे को DM बनावे, SSP बनावे, अच्छा पढ़ाई करा करे, मगर हम लोग का बच्चा या इन लोग का बच्चा आज तक कोई पढ़ने नहीं जा रहा, जब से पानी का जल जमाव का मामला हुआ है कोई पढ़ने नहीं जा रहा बच्चा। क्या नाम हुआ? पप्पू खान।